पीतांबर जैन दिरासर ट्रस्ट सांगली, तेजपाल भाई शाह अध्यक्ष महोदय, नमो जीणाणम जीय भयाणम, नमो जीणाणम जीय भयाणम, नमो जीणाणम जीय भयाणम। ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की टोपी है, साइंटिफिक विजन जो परमात्मा का है, उसकी टोपी अध्यक्ष साहब। नमो जीणाणम जिया भयाणम, नमो जीणाणम। और हमारे तरफ से उसका साहित्य, नमो जीणाणम। ये पढ़ के इसमें सारा कुछ मार्गदर्शन है, आप हमसे वार्तालाप जरूर जारी रखना। आपको जो सांगली में करना है, इवन स्कूल कॉलेज में जाके, हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, दो दो हजार, पाँच पाँच हजार बच्चों को एक दो दिन की या तीन दिन की, दो दो घंटे की शिविर ऐसे करते हैं। आपके जो कॉन्टैक्ट हैं यहाँ लोकल सांगली में, हमको अवश्य बुलाना। स्कूल और कॉलेज में जाके आपके बच्चों के अंदर ये छः घंटे के अंदर संस्कार डालते हैं, जिन परमात्मा के संस्कार, जो उसके एजुकेशन में काम आएंगे, कैरेक्टर डेवलपमेंट में काम आएंगे। और ऐसे हम जब गए साल वरकाणा गए थे राजस्थान में, दो दो हजार, तीन तीन हजार बच्चों की स्कूल कॉलेज थी, बच्चियों की थी, कौन सी विद्यालय का नाम क्या था, हाँ वरकाणा में विद्यावाड़ी, खाली 2000 लड़कियां पढ़ रही थी वहाँ, रेजिडेंशियल बच्चों का स्कूल वरकाणा संस्था था, बच्चों यानी कि स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के। तो ऐसे बच्चों को तीन शिविर, तीन सेशन, तीन सत्र, दो दो घंटे के, उसके अंदर कम से कम उसको कैसे जीवन जीने का, कैसे एजुकेशन हैंडल करने का, कैसे कैरियर हैंडल करने का मार्गदर्शन मिला। तो माँ बाप तो एकदम गदगदित हो गए, दूसरे दिन सब माँ बाप आ गए मिलने के लिए, क्योंकि उनके बच्चों ने कोई सम्मान, कोई आज का बच्चा नया सम्मान, माँ बाप को सम्मान नहीं देता है, वडिलों को, गुरु को। वो बच्चे वे दो घंटे, चार घंटे की शिविर से सबको पैर छूने लगे, अपनी मर्जी से, अपने दिल से, नो फोर्स। क्या ऐसा रिवॉल्यूशन चार घंटे में हो सकता है क्या, हृदय परिवर्तन, उसका पूरा सोच बदल सकता है, ये पावर है अपने शासन। बस तो आप ऐसा कुछ खड़ा करें, ऐसी हमारी भावना है। और हसमुख भाई शाह उपाध्यक्ष आए पधारे, टीम वर्क, जैन शासन में टीम वर्क होता है, हाँ, अध्यक्ष महोदय वो मोटिवेटर होते हैं। नमो जीणाणम जीय भयाणम, नमो जीणाणम जीय भयाणम। આજનો આ મેલાપ એક સહજ રીતે થયેલો છે, બસ કાલે મને પ્રવીણભાઈનો ફોન આવ્યો પરમ દિવસે, અને એક થોડા જ વખતમાં એમને કે આમ આમ કરું છે, મેં હા પાડી, એટલે આ અમે ગુરુદેવને ઘણા આમંત્રણ આપીને પણ કદાચ અમને આ સત્સંગ મળ્યો ના હોત, આ સહજપણે કુંભોતથી એમને આવવાનું, અને અમે મારે ફોન કરવાનો અને પ્રવીણભાઈને વાત કરવાની, એટલે સહજપણે એમને આ સત્સંગ મળ્યો। તો આ સત્સંગ આ સાંગલી ગામ માટે, આ સાંગલી સંઘ માટે એક આનંદનો દિવસ છે, અને અમને હમણાં તમે જે અમને માર્ગદર્શન આપ્યું, એ માર્ગદર્શન સાંગલીમાં અમે વધારીશું ચોક્કસ, હું તો જોઈન થઈ જ ગયો છું પાક્કું। તો આ વધારેમાં વધારે આ પ્રવાસમાં, હા પ્રવાસમાં આપણે બધા જોડાઈ જઈએ, બસ બોલો જીને શાસન દેવ કી જય।